जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। विवेक की बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह विवेक की बात हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। जो मनुष्य विवेक नहीं करता और जिसकी विवेक चेतना जागृत नहीं होती, वह बहुत बार गलत काम भी कर लेता है। सही काम करने के लिए विवेक चेतना बहुत जरूरी है, और जिसकी विवेक चेतना जाग जाती है वह बदल सकता है। विवेकी आदमी सारी स्थिति को बदल सकता है। आचार्य हेमचंद्र ने भगवान ऋषभ के चरित्र में लिखा कि ऋषभ ने जनता की विवेक चेतना जगा दी तो अयोध्या को स्वर्ग बना दिया। अयोध्या स्वर्ग बन गई, कारण विवेक चेतना जाग गई। विवेक चेतना जागृत नहीं होती है तो अच्छी सड़क भी खराब हो जाती है। कूड़ा करकट भी सड़क पर, पान थूक भी सड़क पर, गंदी चीज़ें डालकर सड़क पर अच्छी को भी बुरा बना देते हैं। और विवेक चेतना जागृत होती है तो सब स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छता, सफाई, सभ्यता, शिष्टता, ये सारी विवेक चेतना के स्फुलिंग हैं, जहाँ से सारे कार्य होते हैं। तो विवेक चेतना, आद्य शंकराचार्य के सामने भी एक प्रश्न था, उन्होंने एक प्रश्न स्वयं पूछा और उत्तर भी दिया कि को जागृति विवेकी। यह नींद और जागना, ये प्रश्न बहुत चर्चित रहे हैं और सभी धर्माचार्यों ने इस पर बहुत चर्चाएं की है कि कौन सोता है और कौन जागता है। कौन जागता है? को जागृति, जागता कौन है? उत्तर दिया विवेकी। जिसमें विवेक है वह जागता है। बड़ा महत्व का है जागना। केवल दिन है, प्रकाश है, आंखें खुली है, आदमी घूम रहा है, बैठा है, काम कर रहा है। हम अगर यह कहें कि आदमी जागता है तो पूरा सच नहीं होगा, अधूरे सच्चाई होगी। पूरा सच यह है कि वास्तव में वह आदमी जागता है जिसकी विवेक चेतना जागृत है। जिसकी विवेक चेतना जागृत नहीं है वह प्रकाश में भी, खुली आंखों में भी जागता नहीं है। विवेक, हमारे सामने दो स्थितियां हैं, एक प्रियता और एक अप्रियता, राग और द्वेष, प्रियता और अप्रियता। बहुत सारी समस्याएं इस प्रियता और अप्रियता के भंवर चक्र में है। प्रियता वश आदमी क्या क्या कर रहा है और अप्रियता के कारण भी क्या कर रहा है। दो शब्द और हैं, हित और अहित। विवेक वह है जो हित और अहित का विवेचन करता है कि प्रिय है, अच्छा लग रहा है, किंतु मेरा हित है या नहीं है। बहुत चीजें अच्छी लगती है, हितकर नहीं होती। चाहे खाने का ले लो, चाहे कपड़े का ले लो,
चाहे मकान का ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी वस्तु लो, प्रिय होना एक बात है, हितकर होना एक बात है। सर्दी का मौसम है और सब बंद कर दिया, सारी मकान पूरी बंद कर दिए कि अच्छा है, गर्मी सर्दी नहीं लगेगी। प्रिय तो है लगता है पर हित नहीं है। सारे किवाड़ बंद हो गए, खिड़कियां सब बंद हो गई, सर्दी नहीं आएगी तो साथ में प्राण वायु भी तो नहीं आएगी। श्वास कैसे लोगे? श्वास लोगे तो बंद मकान में गंदा श्वास हो जाएगा, अच्छा श्वास नहीं आएगा, न पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, न और कुछ मिलेगा। प्रिय होना एक बात है। आजकल बहुत लोग ऐसी में रहते हैं, अच्छा लगता है, बड़प्पन का मानदंड भी बन गया कि बड़ा आदमी है कि वातानुकूलित मकान में रहता है, अच्छा भी लगता है कि सर्दी नहीं गर्मी नहीं सम शीतोष्ण, किंतु हित कितना है, कितना अहित है, कितना तो स्वास्थ्य खराब होता है। एक अमेरिकी उद्योगपति बहुत बीमार रहता था, काफी दवाइयां ली, चिकित्साएं कराई, पर स्वस्थ नहीं हो रहा था। एक प्राकृतिक चिकित्सक के पास गया और सारी स्थिति बतलाई तो उसने कहा मैं ठीक कर दूंगा, पर एक काम तुम्हें करना होगा, तो 3 घंटा हीट वाथ गर्म टब में बैठकर गर्म पानी का स्नान करना है, तुझे ठीक हो जाओगे। उसने स्वीकार कर लिया, प्रयोग शुरू कर दिया। 1 सप्ताह बीता और स्वस्थ होने लग गया। स्वस्थ हुआ तब उसके मन में एक विकल्प आया कि कितनी बड़ी मूर्खता है कि पूरे दिन भर तो एसी में रहता हूँ, मकान ऑफिस कार सब जगह तो ये सारा वातानुकूलन है, लगा हुआ है, ठंड में रहता हूँ, 3 घंटा गर्म में बैठता हूँ, ये तो बड़ी मूर्खता है। उसने सारे उठा दिए, सब समाप्त कर दिए और मकान को स्वाभाविक, ऑफिस को स्वाभाविक और कार सब स्वाभाविक बना दिया। तो 1 सप्ताह बाद देखा कि 3 घंटा गर्म पानी में बैठने की अपेक्षा भी समाप्त हो गई, रही नहीं। प्रिय लगना और हित होना, ये विवेक बहुत जरूरी है। और मानता हूं बहुत सारी समस्याएं, चाहे स्वास्थ्य की समस्या, चाहे मानसिक स्वास्थ्य की समस्या और चाहे भावात्मक स्वास्थ्य की समस्या, कोई भी बीमारी लो, समस्या लो, ये क्यों होता है कि आदमी प्रिय अप्रिय का विवेक नहीं करता, हित और अहित का विवेक नहीं करता। अगर हित और अहित का विवेक करने की शक्ति आ जाए तो बहुत सारी समस्या स्वयं सुलझा सकता है, पर ये विवेक चेतना जागृत नहीं होती। अच्छा लगता है, एक व्यक्ति जिसका फेफड़ा बहुत खराब था और आइसक्रीम आई और खा ली, अब जब पीड़ा हुई शुरू तो कह रहे तो तुम्हारा फेफड़ा खराब था, तुम्हें तो ठंडी से बचना चाहिए थे, कि गर्मी बहुत थी, अच्छा लगा खा लिया, बस अच्छा लगता है खा लेता है। किडनी का बीमार है और पकोड़ा खा लेता है कि खाने में नमकीन अच्छा लगता है, आगे तो किडनी खराब है, फिर और खराब हुई तब फिर पछताता है, फिर डॉक्टर की शरण में जाता है। ये विवेक हम नहीं करते हैं, हमारी समस्याएं होती है। इसी आधार पर आचार्य तुलसी ने एक सूत्र का निर्माण किया था कि विवेके धम्म माहिये, धर्म का एक लक्षण है विवेक करना, विवेचन करना, किसी बात को ऐसे ही स्वीकार मत करो, उसका विवेचन करो कि यह कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, इसका प्रयोग कैसा रहेगा, इसका परिणाम क्या होगा। इन सब बातों का विवेचन करके हम कोई काम करते हैं तो वह काम अच्छा होता है। बिना विवेचन किए केवल मान लिया, अच्छा नहीं होता। बहुत बड़ा सूत्र है विवेक, विवेक ऋषभ ने विवेक की चेतना जगा दी,
तो अयोध्या स्वर्ग बन गई। आज भी जरूरत है, हर नगर को अच्छा बनाना है, बाजार को अच्छा बनाना है, घर को अच्छा बनाना है, तो विवेक चेतना का जागरण जरूरी है। आद्य शंकराचार्य का यह महत्वपूर्ण सूत्र है कि को जागृति विवेक की, जो विवेक करना जानता है वह जागता है, जो विवेक करना नहीं जानता वह वास्तव में जागता नहीं है। तो फिर दूसरा प्रश्न उपस्थित किया कि का निद्रा, जागता नहीं है तो सो रहा है, कि का निद्रा, निद्रा क्या है, कि मूढ़ता जंतु हो, मनुष्य की मूढ़ता है वह नींद है। मूढ़ता को मिटाना, मूर्छा को मिटाना बहुत बड़ी बात है। यह काम तो था धर्म गुरुओं का और धर्मस्थलों का कि मूढ़ता मिटाए, पर आज तो लगता है कि धर्मस्थान भी धर्म स्थान नहीं होकर संप्रदाय स्थान हो गए और मूढ़ता भर देता है, किसी में नहीं होता है तो और मूढ़ता का कचरा भर देते, फिर वहाँ खीर की योग्यता नहीं रहती। तो दोनों बातें जो शंकराचार्य ने लिखी है कि को जागृति विवेकी, का निद्रा के मूढ़ता जंतो, नींद क्या है, जो आदमी मोह में ग्रस्त है वह हमेशा नींद लेता है, 24 घंटा नींद लेता है। इसीलिए हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में सब चल पड़े, एक तो होता है दीवांत जिनको दिन में दिखाई नहीं देता, एक होता है रात्र्यंध जिसको रात में दिखाई नहीं देता, रतिंदो कहते हैं जिसको, एक होता है कामांध जिसको दिन रात में कभी दिखाई नहीं देता, क्रोधांध क्रोध में अंधा है उसको दिखाई नहीं देता, क्रोध में इतना अंधा होता है कि अपने पिता की भी हत्या कर देता है, अपने बेटे की भी हत्या कर देता है, भाई की हत्या, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता। ये जो मोह के इतने नाना रूप हैं, ये मूढ़ता पैदा करने वाले, जब तक ये मूढ़ता नहीं मिटती तब तक समस्या का समाधान नहीं होता। आचारण सूत्र का, महावीर की वाणी का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरंती। अमुनि है वह सदा सोता है। आप तुलना कर लें जो शंकराचार्य ने कहा उसकी बात से, तुलना कीजिए आप कि सुत्ता अमुनि, 2500 वर्ष पहले का महावीर का यह संदेश है कि अमुनि है, अज्ञानी है, वह सदा सोता है, दिन में भी सोता है और रात को भी सोता है, आंख खुली है तो भी सोता है, आंख बंद है तो भी सोता है, चलता है तो भी सोता है, बैठता है तो भी सोता है, अमुनि अज्ञानी सदा सोता है। मतलब कि वह इतना मोह में रहता है कि देखता हुआ भी नहीं देख पाता। संस्कृत साहित्य के कुछ शब्द ऐसे चल रहे हैं, पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ नहीं देखता। एक आदमी तो देखता नहीं है, अन्य मनस्क है, किसी दूसरी बात में मन लगा हुआ है, वह नहीं देख रहा है, और एक देख तो रहा है पर देखता हुआ भी नहीं देखता, मोह के कारण उसे सच्चाई का पता नहीं चलता। मुनिनो सया जागरन्ति, मुनि सदा जागृत रहता है, नींद में है तो भी जागृत रहता है। बहुत लोग सपनों की नींद लेते हैं, नींद में इतने सपने लेते हैं कि सपनों में ही सपनों में रहते हैं, किंतु जो ज्ञानी है वह सदा जागृत रहता है, नींद में भी जागृत रहता है, उसकी नींद भी सुखद होती है, न कोई सपना न कोई और कुछ भी, कोई कल्पना नहीं, बुरा नहीं। कुछ लोग तो नींद में पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, नींद में उठकर भाग जाते हैं, नींद में उठकर कोई काम कर लेते हैं। और एक जैन साहित्य में चर्चा है स्त्यानर्धि निद्रा, एक निद्रा का नाम है स्त्यानर्धि निद्रा, इतनी गहन नींद होती है कि नींद में उठकर चला जाता है, चोरी करके घर में आ जाता है और सो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता कि मैं कहीं गया था, इतनी गहन नींद भी होती है। तो मुनिनो सया जागरंती, मुनि सदा जागृत रहता है, यानी उसका ज्ञान चक्षु सदा उद्घाटित रहता है, उसकी विवेक चेतना सदा जागृत रहती है, नींद में भी कोई गलत काम नहीं करता, विवेक चेतना उसकी जागृत रहती है।
इस सारी चर्चा का सारांश है हमारी विवेक चेतना का जागरण। मैंने रसोई बनाने वाली जानती है कि चावल बनाना है तो चावल की बिनाई करती होगी, कंकड़ को अलग कर देती है, अलग निकाल देती है। यह विश्लेषण करना, यह विवेचन करना हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे साहित्य का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र, वक्तव्य का क्षेत्र, और चाहे व्यवहार में बाजार का क्षेत्र, रसोई का क्षेत्र, सब जगह विवेचन चलता है। बिना विवेक कोई काम नहीं करता। जहां विवेक नहीं होता वह समस्या होती है। एक आदमी गया और दुकान पर, और जौहरी की दुकान या कोई ये जो मणियारे होते हैं उनकी दुकान पर गया और कुछ कांच मणि थे, बहुत चमक रहे थे, बढ़िया लग रहे थे। उसने खरीदा और भाव पूछा तो उसने देखा भोला आदमी लग रहा है तो भाव ज्यादा बता दिया उसने, का एक एक मणि का 1000-1000 रुपया। 5 मणि खरीद लिए 5000 रुपये में, बहुत पुराने जमाने की बात, कितना मूल्य था। घर पर आया, बड़ा खुश हुआ कि बहुत बढ़िया रत्न लेकर आया हूं। रख दिया और कोई ऐसा मौका मिला कि कोई जौहरी उधर से आ गया और दिखाया, देखिए मेरे पास कितने बढ़िया मणि है। उसने देखा, उसने कहा अरे मणि कहाँ है, ये तो कांच के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े हैं। आचार्य भिक्षु ने लिखा, काच तनो देखी मणकलो, अनुसंजु हो जाने रतन अमोल, नजर पड़े सराफरी तो कर देवे किनरो कोड्या मोल। के तो काच के टुकड़े, के तब तो मैं तो ठगा गया, मैंने विवेक नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, मैं तो ठगा गया। मणि 5 हाथ में लिए, हर बाजार में घूमा, सराफे के बाजार में गया और जाकर करका लो मेरे ये रत्न खरीद लो। देखा और दिखाओ, नहीं दिखाऊंगा, चला गया दूसरी दुकान पर, गया जाकर कहा कि मेरे खरीद लो, कितना मूल्य, के 5000 रुपया। दिखाओ, के दिखाऊंगा नहीं, अरे परीक्षा करो, के नहीं मैंने ऐसे ही लिया है, तुम भी ऐसे ही ले लो। तब उसने कहा कि मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हो जो बिना परीक्षा किए ले लो। जो बिना परीक्षा किए, बिना विवेचन किए जैसे के तैसे स्वीकार कर लेता है वह विवेक नहीं होता, और जहां विवेक नहीं होता उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता। हम कोई भी काम करें, चाहे धर्म की आराधना करें, तो विवेक पूर्वक करें। तपस्या बहुत अच्छी मानी जाती है, पर बिना विवेक तपस्या भी हानिकारक हो जाती है, हानिकारक होती है। बहुत लोग बिना विवेक किए तपस्या करते हैं, फिर इतने बीमार हो जाते हैं, जीवन भर बीमारी भुगतनी पड़ती है। तो हम हर चीज को, कोई भी चीज है, उससे सापेक्षता के बिना अच्छा बुरा नहीं कहें मानेंगे। प्रेक्षा ध्यान का शिविर था, नेपाल से एक बहन आई थी, मैंने एक प्रयोग कराया जप का, अच्छा लगा, वह चली गई। 5-4 महीना बाद आई और बोली मैं तो पागल हो गई, घर वालों ने कहा तो पागल हो गई, दिमाग एकदम अस्त व्यस्त हो गया। मैंने पूछा क्या कर रही हो, जब का प्रयोग चल रहा है, कितना घंटा, क्या 7-8 घंटा, तब तो पागल होना ही है, पागल तो होना है फिर। यानी जो प्रयोग करें, जब का प्रयोग करें, उसमें हमारी कितनी ऊर्जा पड़ती है,
अब ऊर्जा को संभाल न सके तो वह स्थिति बनती है कि वायर तो कमजोर और वोल्टेज आ गया ज्यादा, तो फ्यूज होना है। फिर धर्म करने में भी विवेक है कि हम कब क्या कितना करें जिससे कि शरीर की हानि न हो, मन की हानि न हो। तो मैंने कहा 5-7 घंटा में तो इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है, उस ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है तो वह ऊर्जा तो तुम्हें पागल बनाएगी, निश्चित बात है। चाहे योग के प्रयोग हैं, आसन है, प्राणायाम है, कोई भी करे तो विवेक के साथ करे। बिना विवेक करे इतना प्रयोग कर लिया, हार्ट का तो मरीज है, और श्वास को रोक लिया तो उसको तो मरना ही है, फिर बीमार होना ही है। अच्छी से अच्छी क्रिया हो उसके साथ भी विवेक जरूरी है कि कितने समय तक, कब क्या कितने समय तक करना चाहिए। जैन आचार्यों ने जो 4 दृष्टियां दी इतनी महत्वपूर्ण है कि दब्बवो खेतवो कालवो भाववो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सब का विवेक करना चाहिए। हम विवेक किए बिना एक लकीर को मान के चले अच्छा नहीं होता, हमारा विवेक बहुत जरूरी है। इसलिए सब लोग चिंतन करें कि राग द्वेष, प्रियता अप्रियता और हित और अहित, इन सब का विवेचन कर और हम योग आचरण करें बहुत अच्छी बात है, अन्यथा उसमें हानि भी हो सकती है। तपस्या से भी हानि हो सकती है, जप से भी हानि हो सकती है, ध्यान से भी हानि हो सकती है, जितने मोक्ष के साधन है उनसे हानि भी हो सकती है। कारण कि विवेक के साथ नहीं किया जा रहा है, उनसे लाभ भी हो सकता है विवेक के साथ किया जाए। जैसे ये धर्म क्षेत्र की बात है वैसे ही व्यवहार क्षेत्र की बात है। खान पान, रहन सहन, जीवन शैली अगर विवेकपूर्ण नहीं है तो हानि होती है। आजकल कपड़े, एक सूती कपड़ा था जो स्वास्थ्य के लिए कितना अनुकूल था, और आजकल कृत्रिम धागों के कितने कपड़े, कितनी साड़ियाँ चल पड़ी। शायद दिखने में लगती होगी कि बहुत अच्छी लगती हूँ, पर पता नहीं औरों को अच्छी लगती है, तुम्हारे शरीर को क्या लगती है यह नहीं सोचा जाता। शरीर के लिए तो बहुत हानिकर है, बहुत हानिकर है शरीर के लिए, पर एक विवेचन नहीं होता तब हर बात को स्वीकार कर एक फैशन का रूप और नया रूप दे देते हैं। यह नहीं सोचा जाता कि कितना अच्छा है, यह शायद पान पराग जर्दा खाने में अच्छा लगता होगा, पर यह नहीं कि जब ये हार्ट की, किडनी की बीमारी या ये जो कैंसर जैसी बीमारी होगी तब कितना अच्छा लगेगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि प्रियता अप्रियता में अटको मत, विवेक करो। विवेक प्रियता इतना कि जहाँ विवेक कहता है कि भाई इतनी सीमा तक तो ठीक है तुम्हारी, आगे सीमा नहीं बढ़नी चाहिए। आज ये सारी जो मुक्त भोग की बात चल पड़ी, आधार क्या है कि बस प्रियता को महत्व दे दिया कि अच्छा लग रहा है, परिणाम क्या होगा इसका विवेचन नहीं किया गया। तो इसलिए बड़ा एक सुंदर सूत्र है, बहुत छोटे में आचार्य का वक्त और शंकराचार्य का वक्त, को जागृति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो। आप आचार्य सूत्र के वाक्य को पढ़ें कि अमुणि सुत्ता अमुणि, अज्ञानी अविवेकी सदा सोता रहता है, जिसमें विवेक नहीं वह 24 घंटा नींद लेता रहता है। और जागृति कौन कौन जागता है, कि मुनिनो सया जागरंती। यह विवेक का, यह ज्ञानी का चित्र हमारे सामने रहे, नींद और जागरण का यह एक नया कंसेप्ट, यह जो आध्यात्मिक प्रकल्प है, अभ्युपगम है, हमारे सामने रहे तो शायद हर आदमी बहुत सारी समस्याओं से बच सकता है, और अपने स्वास्थ्य को भी, अपने मानसिकता को भी, और अपनी भावात्मक, जो सबसे बड़ी बात है, भावात्मक शुद्धि को बनाए रख सकता है, और उसकी जीवन शैली अच्छी, उसका जीना भी अच्छा, उसका मरण भी समाधि मरण होता है, और आनंद के साथ जीवन यात्रा को चलाता है। इसलिए आप
मूर्खता और मूढ़ता के भेद को समझे, प्रियता और अप्रियता और हित और अहित के भेद का विवेचन करते रहे तो आपकी जीवन यात्रा बहुत सुखद और आनंद के साथ चलेगी और अंतिम समय भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, कब क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, बड़े आनंद के साथ जीवन यात्रा संपन्न होती है। और आदमी वह छोड़ जाता है जो उदाहरण बनता है, दूसरों के लिए भी अनुकरणीय होता है। इसलिए विवेक तीन अक्षरों को हमेशा सामने रखें तो सब कुछ श्रेय ही श्रेय होगा। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे।